अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़रीन फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हम वाइटनिंग के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं जिसके हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट भी मिल जाते हैं मगर परमानेंट रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई ऐसी रेमेडी शेयर करें जिसके यूज़ से परमानेंट वाइटनिंग मिले और हमेशा के लिए हमारे हाथ और पाँव जो हैं वो वाइट हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बेहतरीन रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके यूज़ से आपके हैंड फीट, आपकी फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी ब्लैक गर्दन पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको अपने फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन पर मौजूद तमाम टैनिंग रिमूव हो जाएगी, तमाम स्यापन दूर हो जाएगा, आपकी स्किन से दाग धब्बों को भी ये रिमूव करेगा। लेकिन आपको इसको रेगुलर यूज़ करना होगा, ठीक है? जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो इसके आपको परमानेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, बहुत ही आराम से आप इसको बना सकते हैं। इस पर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस बहुत ही कमाल के और बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वाइटनिंग लोशन का इस्तेमाल करेंगे। हमें वाइटनिंग लोशन ही लेना है ताकि हमारी स्किन ज़्यादा ब्राइट हो सके, ज़्यादा वाइट हो सके। इसलिए यहाँ पे कंपलसरी है कि आपने वाइटनिंग लोशन ही लेना है। मैंने यहाँ पे वैसलीन हेल्दी वाइटनिंग लोशन लिया है। ये लोशन 2 वीक्स के यूज़ से ही आपकी स्किन को परमानेंट वाइट और ब्राइट बना देता है। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 स्पून जो है हेल्दी वाइटनिंग लोशन के ले रही हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी चावल का आटा। चावल का आटा हर तरह से स्किन पर बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। ये कोरियंस और जैपनीज का स्किन ब्राइटनिंग सीक्रेट है। जब आप चावल के आटे को अपनी स्किन पर किसी भी तरह से यूज़ करते हो तो इसके आपको 100% परमानेंट और इंस्टेंट रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। ये आपकी स्किन को लाइटन और वाइटन और ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है। और सबसे बेहतरीन इसका वर्क ये है कि ये आपकी स्किन से डेड लेयर को उतार देता है। आपकी स्किन पर जितनी भी डेड लेयर है, दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन डल हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये आपकी स्किन से डेड लेयर को रिमूव कर डेड स्किन को उतार कर आपकी स्किन नीचे से फ्रेश स्किन को बाहर ले आता है। 1 स्पून मैं इसमें एलोवेरा जेल का ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। इन तमाम चीज़ों में से आपने कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। इसमें 1/2 लेमन का जूस ऐड करना है। लेमन आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए हर लिहाज से ही बेहतरीन वर्क करता है। इसी तरह से इसको बनाएंगे, यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और परमानेंट रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन हमेशा के लिए वाइट और ब्राइट होगी। ये नहीं होगा कि आपने अभी रेमेडी को यूज़ किया है उसके आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल गए, उसके बाद आपकी स्किन फिर से वैसी हो गई। लेकिन आपको इसको रेगुलर यूज़ करना होगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको अपने हाथों, पैरों पर, अपने गर्दन पर, अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आपने इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट तक अप्लाई करके रखना है, उसके बाद इसको वॉश कर लीजिए। आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन डे बाय डे निखरती जाएगी, आपकी स्किन ब्राइट होती जाएगी, आपकी डेड स्किन उतर जाएगी इसके यूज़ से और आपकी स्किन पर एक बहुत ही अच्छा नया निखार आएगा। अपनी स्किन पर एक बहुत ही फ्रेश और नया निखार पाने के लिए आप इसको हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।